मैडम आपके 510 रुपए हो गए। 510 UPI चलेगा ना? नहीं मैम, ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा, आपको कैश ही देने पड़ेंगे। कैश? लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, 10 रुपए नहीं है। तो कोई बात नहीं मैम, आप 500 ही दे दीजिए। कहीं आसपास ATM होगा तो मैं जाके कैश निकलवा लाती हूँ। नहीं मैडम, ATM तो काफी दूर है। तो फिर अब? तो कोई नहीं ना, आप 500 रुपए दे दीजिए और सामान ले जाइए। अच्छा ये लीजिए, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं बाकी के पैसे लौटा जाऊंगी जल्दी। कोई बात नहीं मैम, थैंक यू। भैया ये लो आपके पैसे, कल रह गए थे ना। अरे मैडम क्या आप भी 10 रुपए के लिए परेशान हुए, बाद में दे देते। अरे भैया हिसाब तो हिसाब होता है ना, और मेरे पापा ने ना बचपन से मुझे एक ही चीज सिखाई है, कभी भी किसी का 1 रुपया भी रखना नहीं चाहिए। वाह मैडम, आज के जमाने में इतने ईमानदार लोग, अच्छा लगा देखकर। भैया आपको पता है जब से आपसे सामान लेके गई थी ना, मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि मुझे आपके पैसे लौटाने हैं, तो बस मैं आ गई। अरे मैडम आप ही की दुकान है, जब मन करे तब आइए यहाँ पर और जो सामान लेना वो लीजिए। और हाँ पैसे की टेंशन मत लिया करो, कहीं भागकर थोड़ी जा रहे हो, बाद में दोगे तो भी चलेगा। वैसे आज कुछ सामान लेना है आपको? वैसे कल तो मैं सारा ज़रूरी सामान लेके चली गई थी। हाँ याद आया, मसाले रह गए थे। अच्छा ले लीजिए आप, मैं भी लेकर आती हूँ। ₹620 हो गए मैडम आपके। आज तो ऑनलाइन हो जाएगा ना? नहीं मैडम ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा, कैश ही दे दो ना। पर आज मेरे पास सिर्फ 400 रुपए हैं। अरे कोई बात नहीं, आप 400 रुपए दे दो, बाकी के बाद में दे देना। ठीक है ये लो, थैंक यू। इन्हें एक पन्ने में डाल दीजिए। हाँ अभी डालता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। भैया आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब लग रहा है? भैया वो लड़की हमारी दुकान में रोज आती है और रोज ही उसके पास कैश नहीं होता है, अजीब बात नहीं है ये? अरे वो मैडम सिर्फ 10 रुपए के लिए इतनी परेशान हुई, यहाँ आकर पैसे देकर गई है तो वो 220 रुपए कैसे रखेंगी? दे जाएंगी पैसे, चिंता मत कर। पर भैया आपको ऐसे अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देख हम दुकानदार हैं, हम अगर कस्टमर पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे पास आएंगे ही क्यों, हमें भरोसा करना पड़ता है तभी लोग हमारी दुकान में आते हैं। ठीक है भैया जैसे आपको सही लगे। भैया सबसे पहले आपके 220 रुपए ये लीजिए। ठीक है मैडम। और भैया आज ना मुझे बहुत सारा सामान लेना है, वो क्या है ना फेस्टिव सीजन आ गया है तो सामान लेना था। अच्छा ठीक है आप ले लीजिए सामान, और सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। देखा फालतू में तो यूं ही सोच रही थी, दे दिए ना मैडम ने कल के भी पैसे। भैया कल के पैसे दे के गई है ना, आज सामान लेने आई है ना, देखते क्या करती है। क्या तू भी कुछ भी सोचती रहती है, तू काम कर अपना। ठीक है ये लीजिए। मैडम आपके हो गए 2680 रुपये। पर मेरे पास तो आज 1000 रुपये ही हैं। देखा आज फिर कम पैसे का बहाना बना दिया ना। कोई बात नहीं मैडम, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो आज। ऑनलाइन? भैया वो क्या है ना कल रात से मेरे बैंक का सर्वर डाउन है तो ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप ATM से निकाल लो, बस 400 मीटर के आसपास होगा। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ, वहाँ तक जाऊँगी तो और लेट हो जाऊँगी।
ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, मुझे 1000 रुपये का सामान दे दीजिए, कोई बात नहीं। अरे मैडम कोई बात नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप ये सामान ले जाइए और पैसे बाद में दे देना। पर भैया 100-200 रुपये की बात होती समझ में आता, इतने पैसे। कोई बात नहीं ना मैडम, कौन सा आप कहीं भाग जाओगे या हम कहीं भाग कर चले जाएंगे, दे देना बाद में। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर नोट कीजिए, अगर मैं नहीं आ पाई तो मेरे घर से कोई आ जाएगा पैसे देने। ठीक है बताइए। 9212111। ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे, थैंक यू। भैया आपने बिल्कुल सही नहीं किया, मुझे नहीं लगता वो लड़की दोबारा वापस आएगी पैसे देने। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, दे जाएंगी वो पैसे, और वो अपना नंबर भी दे के गई है ना, अगर उन्हें पैसे नहीं देने होते तो नंबर क्यों देती वो। आप ऐसे कैसे किसी पर ही भरोसा कर सकते हो, और मुझे ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, नंबर दिया ना उसने आपको, उस पर कॉल करके देखो एक बार। ठीक है अभी करता हूँ। अरे नंबर क्यों नहीं लग रहा है, दोबारा ट्राई करो आप। ये नंबर तो गलत बता रहा है, इसका मतलब वो लड़की धोखा देकर चली गई, हमें हमारे साथ फ्रॉड करके गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था, ऐसे लोग ना पहले लोगों का भरोसा जीतते हैं, फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर ना लूट के चले जाते हैं, और उसने आपके साथ वही किया। तू दुकान संभाल, मैं पुलिस कंप्लेंट करके आता हूँ।